आप सब लोगों के बीच में किया गया और आज का कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आधारित था और सबने बहुत ही उचित तरीके से आज के कार्यक्रम का सहयोग किया। उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये एस कंप्यूटर का पहला गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम रहा। मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से एस कंप्यूटर एक नई ऊंचाइयों पर इस क्षेत्र का और यहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उत्साहित करता रहेगा। और यहाँ पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं प्राय यह देख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रामीणांचल से आए हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और सभी छात्र दिखाई दे रहे हैं और सभी युवा हैं। तो यहाँ पर मैं आज के विषय में लोगों ने बताया गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। तो इस पे मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए आज के युवाओं की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ग्रामीणांचल से उपस्थित युवा साथी हैं जिनकी के मन में इच्छाएं तो बहुत जागृत होती हैं, लेकिन उनके पास संसाधन ना होने के कारण वो लोग निराश हो जाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम चार के युवाओं से बहुत पीछे हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, उस तरीके का माहौल नहीं है, इस वजह से हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। यदि आप लोग अच्छा करने का ठान लें, स्वर्ण संसाधन भले ही आपके पास हो तो फिर भी आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। जीरो से हीरो बनने वाले लोगों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। कहीं भी आप देखिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहाँ भी देखेंगे आपको जीरो से हीरो बनने वाले लोगों की गाथाओं से भरा हुआ है इतिहास। आप इतिहास से उठाकर देखिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन हुआ? मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाला डिलीट क्लास का बच्चा, महाराज पांडु का बेटा अर्जुन, जिसके पास आयुध के नाम पर गांडीव जैसी दिव्य धनुष, जो द्रोणाचार्य जैसे अद्भुत खोज की गाइडेंस में प्रैक्टिस किया करता था, जिसके घर के पैठयार्ड में आर्चरी की प्रैक्टिस रेंज बनी हुई थी, वह अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन बना? जंगलों में रहने वाला, बिल्कुल विफलता के साथ, शून्य संसाधनों के साथ जीवन व्यतीत करने वाला एकलव्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना, जिसके पास धनुष के नाम पर मरे हुए जानवरों के हड्डियों की आयुध होती थी और वह सरकंडों से संधान करता था। वह अपनी प्रैक्टिस भी किसी सक्री गुरु के सामने नहीं कर पाता था। वह द्रोणाचार्य के मिट्टी की मूर्ति को बनाकर उनके सामने प्रैक्टिस किया करता था, फिर भी वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। और कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक बार जब पांडव वन में आखेट खेलने आए, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दो भाई, इनको बढ़ा दो। एक बार जब पांडव वन में आखेट खेलने आए तो वहाँ पर पांडवों का कुत्ता एकलव्य की कुटिया के सामने आकर भौंकने लगा। एकलव्य ने ऐसा सरसंधान किया, सात तीर चलाए थे, सातों तीर जाकर के स्वान के मुख में लगे। मुख में लगते ही कुत्ते का भौंकना भी बंद हो गया और एक भी रक्त की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर बना। स्वयं श्री कृष्ण ने द्रोण पर्व में कहा है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि इस युद्ध में अर्जुन कुंती पुत्र कर्ण उपस्थित होता या और कोई उपस्थित होता, एकलव्य उपस्थित होता, जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, यदि उसमें एकलव्य उपस्थित होता तो देव नर नाग किन्नर कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। इतनी बड़ी योग्यता थी, बिल्कुल उसने संसाधन से उठा हुआ एकलव्य था। तो मैं यहाँ पर उपस्थित युवाओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास संसाधन जरूर सीमित है, लेकिन आप लोगों के पास अवसरों की कमी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, यदि ठान लें तो यहाँ से उठकर कोई भी काम कर सकते हैं। आज आप इतिहास उठाकर देखते हैं, हर वर्ष चयनित होने वाले आईएएस अफसरों की, भारत में प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपतियों की, उपराष्ट्रपतियों की, जहाँ भी आप देखते हैं आपके ही जैसे ग्रामीणांचल के लोग, आपके ही जैसे बैकग्राउंड के लोग वहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे उपस्थित युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने सक्रियता के साथ करें, क्योंकि बाद में हमारे पास पछतावा के अलावा और कुछ नहीं हो पाता। क्योंकि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, चाह तो निकल न सकी पर उम्र निकल गई। ये वाला उत्साह, ये वाला अफसोस आपके मन में न रहे। इस वजह से मैं उपस्थित युवाओं से ये अपील करता हूँ कि अपने महान पुरुषों से सीख लेते हुए आप लोग नित नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कीजिए। जहाँ भी देखेंगे आप हीरो से हीरो बनने वाले लोग ही मिलेंगे। इस वजह से ग्रामीणांचल लोगों से, मैं भी एक ग्रामीण से गांव से ही हूँ, इस वजह से यहाँ पे गांव के युवाओं की समस्याओं को समझता हूँ। सर ने मुझे बुलाया, मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी सर के बार बार अनुरोध पर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और ये साहब उतना अच्छा प्रोग्राम हुआ जितना सर ने सोचा था, और अगली बार फिर से आप लोगों के बीच में ये एस कंप्यूटर मोटिवेशनल क्लासेस लेकर आती रहेगी, जिसके माध्यम से यहाँ पर उपस्थित पथराव के युवाओं को